सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चाइना के न्यूली लॉन्च्ड सो कॉल्ड सुपर कैरियर फुजियान के बारे में, जिसमें हम चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की स्टोरीज से लेकर चाइना के इस नए सुपर कैरियर की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इंडियन नेवी के लिए ये किस तरीके से एक नया खतरा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी लिखित में चाहिए तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com को विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमारे ऑथर ने इसके रिगार्डिंग दो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं। आप चाहें तो उसके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर सुपर कैरियर्स किन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस सुपर कैरियर वाले टर्म को लेकर ही एक ऐसी मिथ दूर करना चाहेंगे जो काफी समय से चली आ रही है। तो फैक्ट यह है कि जो सुपर कैरियर नाम का टर्म है ये एक्चुअल में कोई ऑफिशियल टर्म है ही नहीं। ऑफिशियल टर्म केवल एयरक्राफ्ट कैरियर ही है, और इस सुपर कैरियर वाले टर्म को खास करके फेमस कराया मीडिया और मूवीज ने। जब वे किसी बड़े साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्क्राइब करते थे या किसी दो एयरक्राफ्ट कैरियर को कंपेयर करना हो जिसमें एक काफी बड़े साइज का है दूसरा छोटे साइज का, तो ऐसे में बड़े साइज वाले को नाम दे दिया जाता था सुपर कैरियर का। और फिर तब से ही ये सुपर कैरियर वाला टर्म काफी प्रसिद्ध हो गया। और अब आज के समय में सुपर कैरियर वाला जो टर्म है ये खास करके उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन या उससे ज्यादा हो। और जबकि कुछ केसेस में सुपर कैरियर वाली कैटेगरी में उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी रखा जाता है जिनका डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन से ज्यादा हो। लेकिन अगेन इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि सुपर कैरियर कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये एक अनऑफिशियल टर्म है। बस हम इसे एक बड़े साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यूएस नेवी के जो फॉर्सल क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे तो वो पहले ट्रू सुपर कैरियर्स जिनका डिस्प्लेसमेंट लाइट वेट में 60,000 टन था और फुल लोड में 81,000। और फिर इनके बाद आए यूएस नेवी के किटी हॉक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनका फुल लोड में डिस्प्लेसमेंट था करीब 83,000 टन। और न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ने भी सुपर कैरियर्स के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साइज में बड़े होने के कारण जो ये सुपर कैरियर्स होते हैं तो ये आमतौर पर अपने साथ काफी अच्छी खासी संख्या में एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं, और इनका साइज इतना बड़ा होता है कि वे किसी छोटे देश की पूरी एयरफोर्स से भी बड़े होते हैं। और अभी के समय यूएस नेवी के पास निमिट्स क्लास के 10 सुपर कैरियर्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट फुल लोड में 1,00,000 टन से ज्यादा है। और इनके अलावा यूएस नेवी के पास एक जेरल्ड आर फोर्ड क्लास का सुपर कैरियर भी है और इसका डिस्प्लेसमेंट में फुल लोड में करीब 1,00,000 टन है। और जैसे कि अब चाइना ने भी दावा किया कि उसका जो ये फुजियान है वो भी एक सुपर कैरियर ही है, तो ये तो कह सकते हैं कि पेपर में तो कम से कम चाइनीज नेवी ने सुपर कैरियर वाले क्लब को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर अभी लॉन्च ही हुआ है और उसे सर्विस में शामिल होने में अभी समय लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जब भी हम बात करते हैं किसी सुपर पावर की तो इतने सालों में आज के समय में भी अधिकतर लोगों के मन में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। और अमेरिका का जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया में किस तरीके से फैला हुआ है तो ये बात तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। यहाँ तक कि अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल भी करते हैं तो वो सारी कंपनीज भी अमेरिका की हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर आखिर बना कैसे, और कैसे अमेरिका ने साइंस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, वॉरफेयर इन सभी में सबसे आगे अपनी जगह बनाई? तो अगर आप इन सभी रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज हम आपको एक बेहद ही खास ऑडियो बुक रिकमेंड करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर। और इस ऑडियो बुक को आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू FM पर, जो कि एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको इसी तरह की और भी कई सारी कमाल की ऑडियो बुक्स और बुक समरीज सुनने को मिलती हैं। और इसमें अभी के लिए एक बहुत खास ऑफर चल रहा है और वो ये है कि अगर आप इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो वो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ, यानी कि 399 रुपीज का एनुअल सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपीज में। और बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना होगा। पर ध्यान रहे ये जो 50% डिस्काउंट वाला ऑफर है ये केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो यही सही समय है। और इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मौजूद कमाल के प्रीमियम कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं, और वो भी मात्र 199 रुपीज के एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अब तक हमने ये जाना कि आखिरी सुपर कैरियर्स होते क्या हैं, और अब बात करते हैं चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की स्टोरी के बारे में। तो अभी के समय चाइनीज नेवी की सर्विस में दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं जिसमें से एक है टाइप 001 लियोनिंग और दूसरा है टाइप 002 सेंगडोंग। और चाइनीज नेवी का जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है ये टाइप 001 लियोनिंग, तो इसकी स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। असल में 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस समय सोवियत नेवी के लिए बनाए जाने वाला जो कुजनेत्सव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर था
तो वो उस समय यूक्रेन में बन रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन के अलग हो जाने की वजह से यूक्रेन के पास रिसोर्सेज की कमी हो गई और जिस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का जो निर्माण था वो भी रुक गया। तो फिर यूक्रेन की अथॉरिटीज ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेचने का ट्राई किया और चाइनीज नेवी, जिसकी पहले से इस डील में रुचि थी, तो उसने अवसर का फायदा उठाते हुए एक बहुत ही क्लेवर सी टैक्टिक इस्तेमाल करी, जिसमें उन्हें शिप थी बहुत ही कम दामों में मिल गई। और वो टैक्टिक को जिस तरीके से थी, पहले तो चाइना का डेलीगेशन 1992 में यूक्रेन गया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को विजिट करने के लिए, लेकिन उस समय उन्होंने इसको खरीदने से मना कर दिया और फिर चाइना के अलावा यूक्रेन को कोई और अच्छा कस्टमर मिला भी नहीं, जिस वजह से यूक्रेन ने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सड़ने के लिए छोड़ दिया। और फिर करीब 6 साल बाद चाइनीज ऑफिशियल्स एक बिजनेसमैन की तरह इस शिप को खरीदने के लिए गए और उन्होंने यूक्रेन को ये कहा कि वे शिप को एक होटल में कन्वर्ट करने के लिए खरीद रहे हैं। और इससे हुआ ये कि चाइना को यह कुजनोत्सेव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही सस्ते दामों में मिला, फिर चाइना उसे अपने वहां लाया, उसको रिफिट किया और मॉडर्नाइज किया, और इस तरीके से चाइना ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। और फिर चाइना का जो अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था टाइप 002 शेडोंग, तो ये पहले वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की ही एक डिटेल स्टडी और मॉडिफिकेशन का ही परिणाम था। हालांकि चाइना ने सोवियत नेवी के इस कुजनोत्सेव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन में कई सारे बदलाव भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो इसे विरासत में मिली थी, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज भी कुजनोत्सेव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी फेस कर ही रहे हैं, इंक्लूडिंग रशियन नेवी। पर खैर, ये थी स्टोरी चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कि किस तरीके से चाइना ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए। और अब बात करते हैं चाइना के न्यूली लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसे चाइना कहता है सुपर कैरियर और जिसका नाम रखा गया है फुजियान। तो चाइना ने 17 जून को अपने इस फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया था और ये चाइना का पहला कैटोबा टाइप का एयरक्राफ्ट है। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के 2 खास टाइप के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है स्टोबार और दूसरा होता है कैटोबार। स्टोबार का फुल फॉर्म है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए स्की जंप का इस्तेमाल किया जाता है और लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए अरेस्टिंग केबल्स का। और इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना भी आसान है और इसे बनाना भी थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन यह है कि आप इससे हैवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं या फिर फाइटर जेट्स को उनके फुल लोड में लॉन्च नहीं कर सकते हैं। वहीं जो दूसरे तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर है कैटोबार, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए कैटापुल का इस्तेमाल किया जाता है। और बचपन में अगर आप सभी ने गुलेल चलाई है तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। और इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डेक फ्लैट होता है और इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर से आप हैवी एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं और वो भी फुल लोड के साथ, लेकिन इन्हें ऑपरेट करना और बनाना एक्सपेंसिव साबित होता है। तो ये था मेजर डिफरेंस स्टोबार और कैटोबा टाइप के एयरक्राफ्ट में। और अब चाइना का जो ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर है तो ये कैटोबा टाइप की कैटेगरी में आता है, और इससे पहले के चाइनीज नेवी के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी सर्विस में मौजूद हैं तो वो स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हालांकि चाइना ने तो अपने इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल्स ज्यादा शेयर तो नहीं करी हैं, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स इसको लेकर सामने आई हैं उसके मुताबिक तो चाइना के इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 80,000 टन से ज्यादा होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये एक सुपर कैरियर होगा, और इसमें कैटापुल्ट मैकेनिज्म के लिए इमोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और जिस वजह से चाइना का जो ये फुजियान सुपर कैरियर है, ये यूएस नेवी के यूएसएस जेरल्ड R4 के बाद ये दुनिया का दूसरा ऐसा सुपर कैरियर होगा जिसमें ये इमोस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये इमोस टेक्नोलॉजी है क्या। तो इमोस के फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम। इस इमोस टेक्नोलॉजी के आने से पहले जो कैटापुल्ट टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते थे तो उनमें खास करके स्टीम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो स्टीम वाले कैटापुल्ट थे उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि इनसे एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने पर एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम की जो लाइफ थी वो रिड्यूस होती थी और डैमेज होती थी। इसके अलावा शिप पर स्पेस भी ये काफी ज्यादा लेते हैं, इन्हें मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है, और आप इससे एक के बाद एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक बार एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद दूसरे एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इसमें आपको इमोस कैटोबार के कंपैरिजन में ज्यादा समय तक रुकना पड़ता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है इमोस, तो इसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करने से एयरक्राफ्ट को बड़ी स्मूथली लॉन्च किया जा सकता है और वो भी बिना उसके एयर फ्रेम पर ज्यादा दबाव डाले। इसके अलावा स्टीम कैटापुल्ट्स के कंपैरिजन में इमोस का वजन भी कम होता है, ये स्पेस भी कम लेते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी आसान रहती है। और इन सबके अलावा मल्टीपल एयरक्राफ्ट लॉन्चेस के साथ आप इससे हैवी और लाइट दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि यूएवीज को भी। और अभी के समय यूएस नेवी की सर्विस में केवल यूएसएस जेरल्ड R4 सुपर कैरियर ही है जिसमें ये इमोस सिस्टम ऑपरेशनल है, और जबकि रॉयल नेवी ने भी अपने HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इसी इमोस सिस्टम को प्लान किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी इसकी जम को ही प्राथमिकता दी। और इसलिए अब यूएस नेवी के बाद चाइनीज नेवी सामने आई है जिसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में इस इमोस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, और ये सीधी सी बात है कि चाइना की जो अपकमिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे तो उनमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि चाइना ने अपने सो कॉल्ड सुपर कैरियर में इमोस कैटापुल्ट सिस्टम का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन चाइना का ये सुपर कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड होने के बजाय कन्वेंशनल पावर्ड है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो तब तो आप कह सकते हैं कि ये सुपर कैरियर की कैटेगरी में आएगा,
लेकिन अगर आप न्यूक्लियर प्रोपल्शन के हिसाब से देखेंगे तब आप इसको एक ट्रू सुपर कैरियर नहीं कह सकते हैं। तो चलिए इसके पहलुओं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो पास्ट में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे गए जब कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कैटोबार सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक कि जो INS विक्रांत है वो भी इन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस INS विक्रांत के जो 1961 में कमीशन हुआ था और जिसे भारत ने ब्रिटिश रॉयल नेवी से परचेस किया था। और आपको बता दें कि ये वाला INS विक्रांत वास्तव में एक कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन फिर बाद में INS विक्रांत में मॉडिफिकेशंस किए गए और उसमें इसकी जम के साथ इसे स्टोबार कैपेबिलिटीज दी गई। और ये मॉडिफिकेशन खास करके इंडियन नेवी के सी हैरियर्स एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के उद्देश्य के साथ किया गया था। लेकिन इसमें जो कैटापुल्ट सिस्टम था वो स्टीम पावर था। और इसी तरीके से USS किटी हॉक और उसके सिस्टर शिप्स भी एक कन्वेंशनल पावर्ड कैटोबार सुपर कैरियर्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज के समय में आपको ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि किसी कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में आपको कैटोबार सिस्टम मिले। और इस और से देखने वाले कॉम्बिनेशन के पीछे भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि कैटोबार सिस्टम जो कि एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए कैटापुल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, और जब तक इमोल सिस्टम विकसित नहीं हुए थे तब तक स्टीम कैटापुल काफी प्रसिद्ध होते थे। इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता था कि जो स्टीम थी वो बॉयलर से सोर्स की जाती थी और वही बॉयलर्स एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पावर दे रहे होते थे। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं उनको लेकर थियोरेटिकली तो ये कहा जाता है कि उनकी फ्यूल स्टोरेज अनलिमिटेड होती है, यानी कि उन्हें पावर की कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली है। इससे बॉयलर्स पूरे टाइम एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए अपने फुल लोड पर काम कर सकते हैं। और वहीं जो कन्वेंशनली पावर्ड वेसल्स होती हैं तो ऑब्वियसली बात है लिमिटेड फ्यूल स्टोरेज के कारण उन्हें थोड़ा सा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। और अगर आप बात करें कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाए गए इमोल्स कैटापुल्ट सिस्टम की, तो देखिए इमोल्स सिस्टम की एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये पावर हंग्री होते हैं, यानी कि इनको अच्छी खासी पावर चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। और आप ये समझ लीजिए कि हर 3 सेकंड लॉन्च के लिए ये जो सिस्टम है ये 100 मिलियन वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। और ये इतनी एनर्जी है कि इससे एक स्मॉल टाउन अच्छा खासा रोशन हो सकता है। और इसी वजह से सिस्टम की इतनी अधिक पावर रिक्वायरमेंट को किसी कन्वेंशनली पावर्ड शिप से फुलफिल करना काफी डिफिकल्ट टास्क है, और जिससे कई सारे डिजाइन चैलेंजेस भी सामने आते हैं, जिस वजह से रॉयल नेवी ने भी अपने क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटोबार के बजाय स्टोबार डिजाइन को चुना। यहाँ देखिए US नेवी का USS जेरल्ड आर फोर्ड, जिसमें सबसे पहले इस इमोल्स कैटोबार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था, तो US नेवी को आज भी इसको ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और जबकि USS जेरल्ड आर फोर्ड एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस इमोल्स टेक्नोलॉजी में आज के समय में भी काफी सारे रिलायबिलिटी इश्यूज और टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, और ये चैलेंजेस उनको भी फेस करने पड़ रहे हैं जिन्होंने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया है। और वहीं दूसरी तरफ अब ये चाइना है जिन्होंने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया था 2012 में। और इसलिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि इमोल्स टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर्स भी आज के समय में इसमें मौजूद इश्यूज को फिक्स करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहीं चाइना ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, या यूं कहें एक ऐसा सो कॉल्ड सुपर कैरियर बनाया, जो एक तो कन्वेंशनली पावर्ड है लेकिन उसमें इस इमोल्स कैटोबार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और इसलिए हर कोई इस बात से हैरान है कि टेक्नोलॉजीज को चुराने वाले चिंदी चोर एक कन्वेंशनल पावर शिप में इस पावर हंग्री इमोल्स सिस्टम को ऑपरेट कर कैसे रहे। और इसी चीज को लेकर इंडियन नेवी के एक्सपर्ट्स की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं, पर खैर ये तो आने वाले समय बताएगा कि चाइना ने वाकई में इसमें कोई नया तरह का इनोवेशन किया है या फिर से चाइना का एक और नया प्रोपेगेंडा है। और वैसे अगर देखा जाए तो चाइना अपने 5th जनरेशन फाइटर्स में कैनार्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में अगर उसने अपने कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में इमोल्स कैटोबार सिस्टम का इस्तेमाल किया है तो फिर तो इस पर और क्या ही कहें। लेकिन अभी तक आपको ये जानने को मिला कि सुपर कैरियर्स होते क्या हैं, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की स्टोरी कैसे शुरू हुई, और चाइना का जो ये नया सो कॉल्ड सुपर कैरियर है वो हर किसी के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर क्यों बना हुआ है। लेकिन अब जो वीडियो है ये ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि चाइना का सुपर कैरियर भारत के लिए किस तरीके से खतरा बन सकता है और भारत के पास इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, तो इसलिए इस वीडियो को अपना कीमती लाइक देना ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और जल्दी मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।